ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुरार एक्सप्रेस द्वारा आयोजित वाद विवाद में छत्तीसगढ़ियों से छल के बाद पद्मश्री अनुज शर्मा ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी और कमीशनखोरी का पर्दाफाश किया है। संस्कृति विभाग से परेशान छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुज शर्मा ने कहा है कि जो प्रोग्राम के लिए अधिकारियों को कमीशन देता है उसे ही प्रोग्राम दिया जाता है। 2015 के बाद चक्रधर समारोह में उन्हें मौका नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए अनुज शर्मा ने कहा है कि जहां भी उनका कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसका निर्धारित राशि से आधा पेमेंट ही किया गया है। संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़िया लोक कलाकारों की उपेक्षा की जा रही है। पद्मश्री अनुज शर्मा से खास बातचीत की है हमारे सुराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। सांस्कृतिक विभाग पर कलाकारों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है और ये मिले तमाम दस्तावेज के आधार पर ये पुष्टि होता है कि जो बड़े अधिकारी हैं और जिनके आईएएस आईपीएस हैं उनके परिवार के जो कलाकार हैं उन्हें तवज्जो दिया जा रहा है, जो बाहर से कलाकार आ रहे हैं उनके अनुरूप जो छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं उनको तवज्जो दी जा रही है लेकिन उनकी अब तक पेमेंट भी नहीं की गई है। तो इस मुद्दा पर चर्चा के लिए हमारे साथ है पद्मश्री अनु शर्मा जी, तो आइए इनसे जानते हैं। सर, ये जो अन्य कलाकार हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि सांस्कृतिक विभाग है जो उन पर तवज्जो नहीं दे रही है, उनसे भेदभाव किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, दिक्कतें तो हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और मुझे बिना बताए उसमें से पेमेंट काट दिया गया है। मेरे पास वर्क ऑर्डर में जितना पैसा लिखा है उसको कम करके दे दिया गया है। तो अधिकारियों की मनमानी तो है वहाँ पर, इसमें तो कोई शक नहीं है, और बहुत ही गलत तरीके से, इलॉजिकल तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है। उस बात से हम लोग आहत भी, और हमारे तो भुगतान कितनी कटौती कर दी गई कि क्या बताएं, और भुगतान वो भी 2 साल बाद मिला जिसका। अभी भी हमारा बहुत सारे कार्यक्रमों का 1-2 साल का भुगतान अभी हमारा बाकी ही है, अभी तक हमारा भुगतान बहुत सारे कार्यक्रमों का नहीं हुआ है। तो जैसे बाहर के कलाकार आते हैं उनको जब समय पे एडवांस में भुगतान हो जाता है तो कलाकारों को, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को क्यों भुगतान नहीं होता, हमारा तो ये इशू रहता है। और रहा सवाल ये कि अवसर की बात है, तो अवसर तो उनके हाथ में जिसे देना चाहते हैं देते हैं। जैसे मुझे जहाँ तक याद है पिछले 6 महीनों में मैंने सिर्फ 2 या 3 कार्यक्रम किए होंगे, और कोई कलाकार होगा जो 100 कार्यक्रम भी किया होगा या 50 कार्यक्रम भी किया होगा। तो ये जो व्यवहार है कि किसी कलाकार पे ज़्यादा मेहरबानी, किसी से बिल्कुल बायकाट करना, या कोई अगर हमारे कार्यक्रम भी की मांग करते तो कह देना कि वो तो बिजी है अभी नहीं आ पाएंगे, तो उनके पास 10 तरीके होते हैं। तो मैं वही बताऊं, काफ़ी लंबे समय से, पिछले 6 महीने से मैंने 3 से ज़्यादा कार्यक्रम नहीं किए होंगे। इस तरह की जो लापरवाही बरती जा रही है इस पे आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आपका कुछ सुझाव? मैंने इस विभाग के संचालक महोदय को मैंने लेटर दिया है, और जिन जिन भुगतानों में अनियमितताएं हुई हैं, जिनमें यानी जबरन कटौती की गई है, वर्क ऑर्डर होने के बावजूद कम का भुगतान किया गया है, इन सारी चीजों को तथ्यगत तरीके से डॉक्यूमेंट के रूप में प्रूफ के साथ मैंने उनके सामने प्रस्तुत किया है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये थे अभी हमारे साथ पद्मश्री अनु शर्मा जी, जो छत्तीसगढ़ के जाने माने सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। इन्हें आपने सुना है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि किस तरह से अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं वहाँ, किस तरह से एक पैसे काटे जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनको किस तरह से दबाया जाता है उनके हुनर को, जबकि इस विभाग का उद्देश्य होता है कि जो छत्तीसगढ़ के कला है, उसकी संस्कृति है, उसको उजागर करना, लेकिन वहाँ अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनके मनमानी के चलते कलाकारों को तवज्जो नहीं दिए जा रही है, इस तरह लापरवाही जारी है, आखिर ये कब तक जारी रहेगा? कैमरा में जग्गा के साथ सत्या राजपूत खुमर दमोह से है जहाँ